आंसू चाहे इंसानों की आंखों से टपके या जानवर की आंखों से, ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में गहरा दर्द होता है। ये पंक्तियां जोया के रहने वाले बुजुर्ग और एक बंदर के प्यार पर सटीक बैठती है। दो वक्त की रोटी से शुरू हुआ बंदर का बुजुर्ग के प्रति लगाव उसके निधन के बाद भी देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। बंदर बुजुर्ग के निधन के बाद भी उसके शव के पास बैठा रहा, बाद में सीने से लिपटकर तिगरी घाट तक पहुंचा और अंतिम विदाई दी। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के बाद भी बंदर अन्य लोगों के साथ घर तक वापस आया। ये मामला कस्बा जोया के मोहल्ला जाटव कॉलोनी के रहने वाले बुजुर्ग राम कुंवर सिंह से जुड़ा है। परिजनों के मुताबिक 2 महीना पहले एक बंदर राम कुंवर सिंह के पास आकर बैठ गया था। तभी बुजुर्ग ने उसे खाने के लिए एक रोटी दे दी, जिसके बाद बंदर उसके पास हर दिन आने लगा। रोजाना राम कुंवर के पास आकर बैठता और रोटी खाता, बाद में काफी देर तक उसके साथ खेलता रहता था। लेकिन मंगलवार की सुबह अचानक राम कुंवर का निधन हो गया। रोज की तरह बुधवार की सुबह 10 बजे बंदर खाना खाने घर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ थी। बंदर ने भीतर जाकर देखा तो अर्थी थी, उसके पास जाकर बैठ गया। काफी देर तक परिवार के लोगों के बीच अंतिम दर्शन करने का सिलसिला चलता रहा और बंदर भी वहीं बैठा रहा। लोग बंदर का मनुष्य के प्रति प्यार देखकर अचंभित रह गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बंदर के आंखों में आंसू भी थे। जोया जाटव कॉलोनी के तो इस बीच जैसे पिंड बदले जाते हैं, वहां पर बंदर आया चल के और बंदर ने उनका मुंह घेर कर देखा, फिर उनके पैरों पर चढ़ के ऊपर डीसीएम के ऊपर टिगरी को गया गंगा धाम और वहां पर चिता पर जैसे रखते हैं तो उसने चुम्मी ली, फिर अलग कूद गया वो, फिर घर तक वापसी आया हमारे साथ में चलकर। इतना ही नहीं, जब परिजन तिगरी धाम ले जाने के लिए राम कुंवर सिंह की अर्थी उठाई तो बंदर भी साथ में सवार हो गया। जोया से तिगरी धाम तक अर्थी से लिपटा रहा, वहां अंतिम संस्कार होने तक चिता के पास ही घूमता रहा। बंदर और राम कुंवर सिंह के लगाव की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। घर में अर्थी के पास बैठे और अर्थी से लिपटकर तिगरी जाते बंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।